क्योंकि ऐसे तो खामखा नहीं कर सकते ना कुछ भी, वो बिल्कुल रात नहीं बिल्कुल नाला में तो बहा नहीं सकते ना, बिल्कुल उसको सही जगह ड्रीम इलेवन पे 1 करोड़। तो किसी शख्स को गरीबी ज्यादा याद रहता है, अच्छा और ये चीज नहीं अच्छा कि कब मैंने बन गया कब मैंने उतर गया, जब उतर जाते तो ज्यादा याद रहता, मतलब पेट का भूख अगर है तो सब चीज याद सब रहता है, याद नहीं है तो कुछ भी कुछ याद भी नहीं। याद नहीं है। के अमौर प्रखंड में हूँ और अमौर प्रखंड का एक छोटा सा गांव है और हमारे पीछे एक शख्स को देख रहे होंगे, इनसे रूबरू भी हम आपको करवाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि लगातार जो हमारा कंटेंट होता है देश के अलग अलग हिस्से से, ड्रीम इलेवन विनर को लेकर के आना और तमाम लोगों तक पहुंचाना कि आखिर ड्रीम इलेवन पैसे देते हैं, और आज के डेट में ऐसा भी समय है कि भाई जस्ट सेकेंड और जस्ट मिनटों में लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्स है मैं इनसे रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजाद अंसारी। आपके बारे में पता चला कि आपने ड्रीम इलेवन पर टीम लगाई थी और करोड़पति बने हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? 100% सही है। अच्छा, कब लगाया था आपने टीम? ये लगभग 31 तारीख को। 31 तारीख को लगवाया था? 30 तारीख को। कौन सा मैच था? 30 अगस्त। ये पता नहीं, वो अमेरिका साउथ अफ्रीका ऐसा ही कोई था। अच्छा, वो भूल भी गए मैंने। आपको याद भी नहीं है? नहीं, इतना दिन भी हो गया। जिंदगी की बड़ी उपलब्धि तो लोगों को याद रहती है, आपको क्या अमाउंट याद है कि मैच स्टार्ट याद है? नहीं, उपलब्धि जो है ना, उपलब्धि याद नहीं रहती, वो गरीबी ज्यादा याद रहता है आदमी को किसी शख्स को गरीबी ज्यादा याद रहता है। अच्छा, और ये चीज नहीं अच्छा कि कब मैंने बन गया कब मैंने उतर गया, जब उतर जाते तो ज्यादा याद रहता, मतलब पेट का भूख अगर है तो सब चीज याद रहता है, नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है। ये बात सही है। और गरीबी सबसे बड़ी जिल्लत की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। और हर कोई इससे उभरना चाहता है, सब लोग। अच्छा, क्या इससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड था और अभी क्या है? पहले भी ठीक था। अच्छा, पहले भी किसान थे। अच्छा, मजदूरी भी करते थे। अच्छा, सरकारी सर्विस होल्डर भी हैं हमारे घर में। अच्छा, सब कुछ ठीक है, बैक से पीछे से। सरकारी जॉब होल्डर या फिर आपके परिवार में है? परिवार में है। अच्छा, मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा परिवार में है, सब कुछ ठीक है, बैग मेरा जो है सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। तो ये ड्रीम इलेवन की जानकारी आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली और कैसे आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया? ऐसे न्यूज से देखते देखते कि भाई ये खेल रहा है जीत रहा है, खेल रहा है जीत रहा है, और भी खेल रहा है, तो भाई मैंने भी सोचा करो करते हैं देखते हैं। तो न्यूज पे आप देखते थे? देखते थे। और आज खुद न्यूज का माध्यम बन गया? जी जी जी। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। न्यूज का माध्यम बनने में अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कितना जीता आपने ड्रीम इलेवन पे? 1 करोड़। 1 करोड़ जी। और सारे पैसे? आजाद जी, जो मैच लगाए थे वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच का मैच था, 30 अगस्त को ये मैच खेला गया था, T20 सीरीज थी। और इस वाले कॉन्टेस्ट में अगर आप इनके आईडी को अगर जानना चाहते हैं ना, तो MD Cotenders 614652 करके इनकी आईडी है और पूरी तरह से इनका नाम लिखा हुआ है MD आजाद अंसारी। आप देखेंगे तो फर्स्ट विनर जो है 1 करोड़ के यही व्यक्ति है जो आप सामने से देख रहे हैं। बाकी आप जाकर के लीडर बोर्ड पे चेक कर सकते हैं कि इनकी आईडी मिलती है या नहीं मिलती है। इन्होंने जो टीम लगाया था उस टीम की अगर बात करी जाए तो जो टीम था उसमें विकेट कीपिंग वाले सेक्शंस में जॉस इंग्लिश था आपका जी, बैटिंग वाले सेक्शन में रिचर्ड हैंड्रिक, आर वेंडर, तिलक, टीम डेविड, और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में मार्क स्टोनिक और एम जैनसन थे। बॉलिंग वाले सेक्शन में एल विलियम्स, एस जॉनसन, सी कोटजी और टी सांगाटे। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करी जाए तो एम मार्स और टी सांगाटे। जी जी, यही टीम था आपका? हाँ, यही टीम था। और इस वाले मैच में ही इन्होंने अपनी टीम लगाई थी और इस वाले मैच में एक ही टीम लगाया था और एक ही टीम से करोड़पति बने थे। अगर आप चाहे तो लीडर बोर्ड पे जाकर के चेक कर सकते हैं। वैसे आपको मिल गया? जी मिल गया। कितना पैसा मिला आपको? उसमें 30% कट जाता है ना। अच्छा, वो कटा या फिर? कट गया। कट गया जी। और कट के सारे पैसे आपको मिल गए? जी मिल गए। पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिले या फिर कहीं और? नहीं, बैंक में, वो ऐसे कैश कहाँ से मिल जाएगा? बैंक अकाउंट एप्लीकेशन पे मिला पैसा? आपने खुद विड्रॉल किया कि डायरेक्ट आपके बैंक? नहीं, मैं खुद विड्रॉल किया। अच्छा, करके बैंक अकाउंट में लिया, सारा पैसा आ गया आपका? जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, परिवार में कौन कौन है आपके? वाइफ है, बच्चे हैं, भाई है, मम्मी है, सब लोग है। कभी सोचा था कि हमारी लाइफ में ऐसी जिंदगी आएगी, हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, करोड़ों के मालिक हो जाएंगे? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा था। अच्छा, अचानक हो गया। गांव के लोगों में भी खुशी होगी? अब जो वो तो होना ही है ना। अच्छा, उसमें तो आदमी को किसी को दुख भी होता है, किसी को खुश भी होता है कोई, क्योंकि दुनिया लगा रही है इन चीज़ों में, सब लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैं भी बनते। तो इसमें तो करोड़ों में एक ही आदमी, कई करोड़ आदमी लगाता है तो उसमें एक ही आदमी विनर बनता है ना सर। अच्छा, तो गाँव में मैंने देखा है अक्सर कि अगर आपके बिरादर में लोग जीत रहे हैं या फिर हमारे बिरादर में लोग जीत रहे हैं तो अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, कोई दावत देते हैं, कोई पार्टी देते हैं, कोई भंडारा करना। तो आपने कुछ ऐसा किया क्या? आप नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। आगे का क्या प्लान है, इन पैसों का किस प्रकार से यूटिलाइज, कैसे यूज करना है आपको? वो अपना सही जगह पे यूज करेंगे। अच्छा,
सही जगह पे जो सही चीज है सोच समझ के उस पैसे स्टार्टअप होगा, घर बनाना है, यही जमीन लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है, वही सब उसी चीज में सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ेगा ना। क्योंकि पैसे तो बहुत लोगों को मिलते हैं, मैंने ऐसे भी विनर्स को देखा है जो रातों रात करोड़पति बने लेकिन आज के डेट में जस्ट कुछ महीने बाद उनके पास अब रहने के लिए घर तक नहीं है ना ही पैसे है। तो पैसे को किस प्रकार से यूटिलाइज किया पता ही नहीं चल पाता है, कोई जमीन लेकर के छोड़ दिया, सोचा नहीं कि हम इस पैसों का इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात है कि पैसा आना और पैसे का इन्वेस्टमेंट करना ये बड़ा सवाल होता है, पैसे से पैसा बनाना बड़ा सवाल होता है। 70 लाख रुपए आपको मिले हैं, चाहेंगे तो आप महीनों में खत्म कर देंगे, नहीं तो 70 लाख को 7 करोड़ में भी बदल सकते हैं। जी ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे घर में सरकारी एम्प्लॉय भी है और शिक्षित परिवार से आप लग रहे हैं, बिल्कुल शिक्षित परिवार से है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पैसे का सही से यूटिलाइज करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे, तो कुछ ऐसा कुछ सोचा है क्या? अभी तो नहीं सोचे हैं, सोचेंगे उसके लिए। अच्छा, उसे सोचेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। अच्छा, क्योंकि ऐसे तो खा मखा नहीं कर सकते ना कुछ भी, बुरा नहीं, नाला में तो बहा नहीं सकते ना, बिल्कुल उसको सही जगह भी लगाएंगे ना, बिल्कुल। इसीलिए देर सही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। हाँ अच्छा, देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा वो। अच्छा, इसलिए बाकी बहुत सारे लोग हैं हमारे पीछे, देख सकते हैं कि मैं जिस गांव में हूं और बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि आप क्या इंटरव्यू लेकर के आते हैं, कुछ गलत वीडियो भी दिखा देते हैं। तो क्या मैं जो रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूं, दिखाने के लिए आया हूं, ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको पैसे वैसे दिए हैं वीडियो दिखाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। रियल है ना? रियल है। पूर्णिया जिला में हूँ मैं अभी। हाँ पूर्णिया जिला में।